मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज्यादा और कसरत से दवाइयों का इस्तेमाल भी कभी भी ठीक नहीं होता मतलब आप एक्सेसिव यूज़ ना करें मेरे पास एक पेशेंट थी इनकी आपकी बेगम है जी जी वाइफ है और ये डीआई खान से थी तो इनका थर्ड विजिट है और इशू ये था कि एल यानी डी रेंज थे जिगर के टेस्ट खराब थे आप ये देख सकते हैं इनका जो एल था इट वॉज़ वन तो उसके बाद इनको मैंने आ, और और डिप्रेशन में भी थी और फिर मुख्तलिफ इनके विज़िट्स थे जो नॉन डॉक्टर लोग थे उनको भी मैंने वो ड्रग्स स्टॉप कराई जो ज़रूरी थी बस वो ड्रग्स दी एंड नाउ द पेशेंट जिगर हैज़ जो टेस्ट थे वो मार्कली इम्प्रूव हो गए तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप ओवर दी काउंटर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या ओवर दी काउंटर जब दिल किया जो दिल किया एंटीबायोटिक फक लिया या वैसे दवाइयाँ खा ली या एक्सेसिव दवाइयाँ ले ली या बहुत सारे डॉक्टर्स के विजिट कर लिए वो भी आपके जिगर के टेस्ट खराब कर सकती हैं ये चीज़ें आपके नो, नोटिस में होनी चाहिए आप कैसी तबीयत है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो बहुत बेहतर है पहले सिटी में थे सिटी से तो पाँच छः सालों से काम पाँच साल उधर से जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे हर महीने जा रहे जब से इधर आया माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से पहले महीने बहुत फ़र्क पाएगी दूसरे महीने अभी तो बिल्कुल इतना थोड़ा सा भी, भी ये नहीं है बिल्कुल तसली के लिए हम आए हुए हमने कहा जो हम तसली कर ले लेकिन अभी बिल्कुल अलग अलहमदल हमारा मरीज़ बहुत भी अच्छा है हाँ देखें ये प्रॉपरली अब देखें ना जब ये लोग डॉक्टर्स के पास होते हैं तो बाजुकात ये होता है कि ये जो इनकी कम्युनिकेशन है या इनका जो जबान वाला फैक्टर है वो भी बड़ा हावी होता है आप वैसे घर में कौन सी जबान बोलते हो हम पश्तो पश्तो तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये कन्वे भी नहीं कर पाते इनके सिम्टम्स भी प्रॉपरली तो ओवर होता क्या है ये किसी भी दुकान किसी भी जगह किसी भी नॉन मेडिकल प्लेस से भी जाके ये ओवर द काउंटर या ख़ुद से कोई ड्रग्स ले, ले लेते हैं और वो फिर इनके टेस्टों को इनके जिगर को और मैदे को भी ये जो इतनी दवाइयाँ लोग खाते रहेंगे इन मैदे में इशूज़ शुरू हो जाएंगे मेदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे वो तंग करती हैं तो ये कभी भी जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ़ मेडिसन है दे आर नॉट गुड वो मेडिसन लें जो ज़रूरत ज़रूरी है इनतहाई एंड इससे चीज़ें बेहतर रहती हैं इस चीज़ का ख्याल रखें थैंक यू